नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं डियर कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी के सामने है अभ्यास नंबर 23 और आज हम करने वाले हैं अभ्यास 23 की बढ़िया परिपक्व प्रैक्टिस। और ये अभ्यास 23 जो है आपका, ये पूर्व नियम यानी पूर्व जो हमने शब्द चिन्ह जो सर्वनाम पढ़ा था उसी के बेस्ड पर आधारित है। और ये आज आपकी 39वीं क्लास है। जो भी बच्चा बीच में आ रहा हो उसके बहुत बड़े डाउट्स हो जाते हैं कि सर इसके पहले की जो 38 लेक्चर्स हैं वो कहाँ हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, सॉरी प्लेलिस्ट दी गई है और प्लेलिस्ट पर जाके आप पूरी संपूर्ण क्लासेस देख सकते हैं। और जिस भी बच्चे को कोई डाउट आता है कि सर स्टेनोग्राफी क्या होता है, स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जो भी आपको चीजें हैं, कैसे सीखें, सीखने का प्रोसेस जो भी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर लिया करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जवाब दिया जाता है भाई। अब क्योंकि कॉल तो सभी का रिसीव नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी टीम की कोशिश रहती है कि वो सभी के कॉल रिसीव हो, लेकिन प्यारे साथी पॉसिबल ही नहीं हो पाता भाई। अब सारा दिन अगर कॉल में ही टीचर व्यस्त रहेगा भाई, वो आपके लिए कंटेंट कितना ला पाएगा आप खुद समझ सकते हैं। तो व्हाट्सएप कर दिया करें, कोई भी डाउट हो टीम आपसे खुद संपर्क करेगी, निश्चिंत ही संपर्क करेगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन है अभ्यास नंबर 23 की प्रैक्टिस। ठीक है डियर, अभ्यास नंबर 23 की प्रैक्टिस और क्लास नंबर 39 है। चलिए यहां पर हेडिंग बनाइएगा अभ्यास नंबर 23। अभ्यास नंबर 23 शुरू करते हैं डियर। चलिए, इसमें आपके कुल 6 पॉइंट दिए गए। इन 6 पॉइंट को हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए, ये पहले मैं इसका अनुवाद कर देता हूं लिखा क्या हुआ है ये, क्योंकि यही तो कह रहा है आपको ना कि देवनागरी लिपि में अनुवाद करो। चलिए भाई करते हैं देवनागरी लिपि में अनुवाद। ठीक है, जो हिंदी है आपकी देवनागरी लिपि ही है डियर। लिखा हुआ है आपका जिस, चलिए ये कैसे लिखा हुआ है, जाके व्यंजन को साके वृत्त के साथ बनाया गया है, ऐसा जिस रेखा पर बनाया गया है। उसके बाद है जिसका, जिसका का शब्द चिन्ह बनाया गया है जाके व्यंजन को साके वृत्त के साथ, थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हुए ये जिसका का शब्द चिन्ह हो गया। ठीक है, तुम्हारा, ये आपका तुम्हारा का शब्द चिन्ह है ये रेखा पर, ये तुम्हारा। उसके बाद है तुमने, आप सब देखते चलेंगे तुम और इसी में ऐसा जुड़ा हुआ है तुमने। आगे देखिएगा हमारा, यू रेखा के ऊपर ऐसा बनाया गया है हमारा। उसके बाद मुझे, ये देखिएगा ये रेखा के ऊपर मुझे। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है मैं ने, ये देखिएगा मैंने। आगे और भी शब्द चिन्ह है, जैसे उस, आगे दिया गया है आपका उसका, ये देखिएगा भाई उस और का, उसका। आगे देखेंगे सारे मित्र भाई, उसे लिखा हुआ है उसे। ठीक है, आगे देखिएगा ये उ और से, उसे। उसके बाद दिया गया है डियर आपका मेरा, ये मैं, इसी में रा का शब्द चिन्ह जुड़ा हुआ है। ठीक है, संकेत जुड़ा हुआ है मेरा। चलिए, थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, मैं इस बार से कलर पीले लिखूंगा और इसका अनुवाद मैं सफेद कलर से करूंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट दिया गया है आपका उन, उन के बाद है आपका इसमें, इसमें आप में, आप में। आगे देखिएगा डियर हमको, हमको। उसके बाद जो, जो का शब्द चिन्ह दिया गया है आपका, ये जा का व्यंजन रेखा पर बनाया गया है जो। आगे है प्यारे साथी आपका जैसा, जैसा
क्योंकि जा का व्यंजन सा के वृत्ति के साथ है, वो रेखा के ऊपर है, तो इसे हम जैसा जैसे जैसी कुछ भी पढ़ेंगे फिर, ठीक है। आगे है आप पर, पाके व्यंजन में आपका पर शब्द पर संकेत जुड़ा हुआ है, आप पर। उसके बाद है तुमको, ठीक है। आगे देखिएगा वाह, ये आपके शब्द चिन्ह थे, मैंने इसका अनुवाद कर दिया। अब आइए इसका हिंदी में भी, सॉरी शॉर्ट हैंड में भी कर देता हूं। देखिए ये लिखा हुआ है उन, उसके बाद दिया था इसमें इसमें आप, इसी में मैं जुड़ा हुआ है, हम में इसमें ओ जुड़ा हुआ है, जो का शब्द चिन्ह जा का व्यंजन रेखा पर, जैसा जैसे जैसी, जा के व्यंजन को सा के वृत्ति के साथ रेखा के ऊपर बनाएंगे, तो जैसा जैसे जैसी, यदि इसी को लाइन पर बना देंगे तो फिर पढ़ा जाएगा जिस। आप पाके व्यंजन में पर जुड़ा हुआ है, तुम के व्यंजन में को जुड़ा हुआ है, वह का शब्द चिन्ह आपको पता ही है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, आइए ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे हम इसका। पहले देवनागरी में मैं अनुवाद कर दे रहा हूं। ये और यह, ये यह, आगे है भी और ही, भी, उसके बाद ही, इसी के बाद इसी में तरह जोड़ा गया है, जिस तरह। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपका ता का व्यंजन जुड़ा हुआ है, तो मैंने कल नियम बताया था कि वो तरह हो जाएगा। उसके बाद है इसी में किस तरह, इसमें आपका तरह जोड़ा हुआ है। आइए इसे बढ़िया से समझते हैं पहले, क्या ऐसे बनेगा, क्या ऐसे बनेगा भाई। ये का शब्द चिन्ह आप जानते हैं, ये आपका लाइन पर, और इसी को अगर रेखा के ऊपर बनाएंगे, यहां कल ही बताया था आपको, ये भी का शब्द चिन्ह, ही का शब्द चिन्ह, ये छोटा सा सर्कल, जिसमें आप ता के व्यंजन को जोड़िए, जिस तरह, इसमें आप ता के व्यंजन को जोड़ें, इसमें आप ता के व्यंजन को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका किस तरह, ठीक है। यहां तक आपका पॉइंट नंबर 3 आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है डियर, उस तरह, नोट करेंगे सभी मित्र, उसमें आपका तरह जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद कौन, कौन का शब्द चिन्ह है जो रेखा के ऊपर बनाया गया है, जो लोग, कल ही आपको बताया गया था कि जो लोग का शब्द चिन्ह कैसे होता है, अगर अचानक से आपके डिक्टेशन में बोला गया जो लोग, आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कोई, कोई, आगे देखिएगा डियर, वैसा कई, वैसा कई, उसके बाद है आपका, बस इतना ही दिया गया है, आइए इसे बना लेता हूं मैं। देखिए डियर आपका उस है, इसी में आप ता के व्यंजन को जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा उस तरह। कौन का शब्द चिन्ह, ये रेखा के ऊपर, जो, इसी में ला के व्यंजन को जोड़ देंगे, जो लोग, कोई का शब्द चिन्ह, वा के व्यंजन में सा के वृत्त, और कई का शब्द चिन्ह, ये रेखा पर होता है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5वें की तरफ। अब पॉइंट नंबर 5वां ध्यान देंगे भाई, पॉइंट नंबर 5वां आपका एक वाक्यांश के रूप में लिखा हुआ है, तो इसे समझते हैं, ठीक है डियर। चलिए आइए, दिया है भाई जो जैसा करेगा, ये अब वाक्यांश अब आपके आ रहे हैं, जो जैसा करेगा वह वैसा फल पावेगा, वह वैसा फल पावेगा। और भाई बिल्कुल सही बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल पाता है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। चलिए जो जैसा करेगा वह वैसा फल पावेगा, इसके बाद यहां से आपका समाप्त हो रहा है। फिर आगे वाक्यांश दूसरा आ रहा है इसी में, जो लोग काम को इस तरह करते हैं, जो लोग काम को इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, करते हैं,
उसमें कोई बात बचने नहीं देते कि उसमें कोई बात बचने नहीं देते। बचने नहीं देते। आगे दिया गया है डियर कि जैसे तैसे पूरा ही करते हैं, जैसे तैसे पूरा ही करते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है डियर कि वे धन्य हैं, वे धन्य हैं। यहां तक आपका दिया गया है पॉइंट नंबर 5। ये मैंने आपको वाक्यांश कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, शॉर्ट हैंड में अगर मैं ना भी लिखूं फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट हैंड में अगर लिखा हुआ है तो मैं आपको समझाऊंगा ये बनेगा कैसे, ये सारी चीजें कैसे ये बनेंगी। ठीक है, चलिए आइए बढ़िया से ध्यान देंगे आप लोग। जो का शब्द चिन्ह रेखा पर, जैसा जैसा जैसे जैसी, जाके व्यंजन को सा के वृत्त के साथ रेखा के ऊपर करेगा, काके व्यंजन के साथ राके व्यंजन, इसमें ए और गा में बड़ा आ की स्वर। वह का शब्द चिन्ह ये रेखा पर होता है, वैसा का शब्द चिन्ह ये लाइन के ऊपर, वाके व्यंजन को सा के वृत्त के साथ फल, फा व्यंजन को ला के साथ फल पावेगा, पा वे गा में बड़ा आ की स्वर। यहां तक आपका समाप्त हुआ। आगे देखिए, जो लोग का शब्द चिन्ह जाके व्यंजन को इसी में ला के साथ जोड़ देंगे। जो लोग काम को, का और मा, का में बड़ा आ की स्वर, काम को का शब्द चिन्ह रेखा पर, इस तरह इसमें आप ताके व्यंजन को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इस तरह। करते हैं कि काराते, करते आप चाहे इसी में है जोड़ सकते हैं ऐसा। ठीक है, करते हैं की का शब्द चिन्ह रेखा के ऊपर, उसमें उसमें आपको में जोड़ना है, उसमें कोई का शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया है लाइन के ऊपर, बात, बाके व्यंजन को देखिए ऐसे लिखा हुआ है ताकड़े के साथ, लेकिन अभी आपने ताकड़ा पढ़ा नहीं है, इसके बाद नियम आएगा आपका ताकड़े का, तो मैं आपको ताकड़ा, लेकिन ये ताक आंकड़ा बना ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है आपका, बात। ठीक है, आई थिंक ऐसा ही लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, ऐसा ही लिखा हुआ है, बात बचने नहीं देते हैं। चलिए, बचने नहीं का शब्द चिन्ह दे, द व्यंजन को रेखा पर बनाएंगे, देते इसी में आप हैं जोड़ दीजिए, देते हैं, चलिए बचने नहीं देते, केवल देते ही हैं। ठीक है, जैसे तैसे पूरा ही करते हैं, जैसे द व्यंजन को सावृत्त के साथ, तैसे आ व्यंजन को रा व्यंजन के साथ, इसमें बड़ा उ की स्वर पहले स्थान पे, दूसरे मोटा डैश। ठीक है, पूरा ही का शब्द चिन्ह ये ही, करते काराते करते, उसके बाद इसी में है तो आप इसी में डियर ऐसे बनाते समय है जोड़ दें। ठीक है, वे धन्य हैं, वे का शब्द चिन्ह ये हो गया, था ना और इसी में या का आंकड़ा जुड़ा हुआ है इसके अंदर, नहीं या का आंकड़ा नहीं जुड़ा हुआ है, मैं भी भाई मैं भी अपना इसमें चीजों को प्रकट कर रहा हूं, था न या, धन्य है का शब्द चिन्ह आपका होता है ये रेखा पर। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 5। आशा है, उम्मीद है कि सारी चीजें आपको एकदम बारीकी रूप से चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज के लास्ट पॉइंट को चर्चा करेंगे, और आज का लास्ट पॉइंट है, आइए ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर 6। सभी मित्र ध्यान देते हुए चलेंगे। लिखा हुआ है भाई, मुसीबत में कोई किसी के काम नहीं आता। नोट करेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई, मुसीबत में कोई किसी का काम नहीं आता, कोई किसी का काम नहीं आता, चाहे वे तुम्हारे दोस्त हों, चाहे क्या लिखा हुआ भाई, आता। यहां तक आपका ये समाप्त हुआ।
ठीक है, कह रहा है आगे कि चाहे वे तुम्हारे दोस्त हों, तुम्हारे दोस्त हों, ठीक है डियर, आगे देखिएगा दोस्त हों। चलिए यहां से आपका समाप्त हुआ, उसके बाद देखते हैं यहां पे आगे लिख लीजिए, ठीक है, यहां से यहां तक आउटलाइन ले लूंगा मैं, यहां पे फिर लिख देता हूं, ठीक है। दोस्त हों, तुमको चाहते हों, तुमको चाहते हों, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि तुम पर कृपा रखते हो, तुम पर कृपा रखते हो, भाई यहां पे कुछ सेंटेंस अटपटा दिख रहा है, हो तुम पर कृपा रखते हैं, भाई तुम पर कृपा रखते हैं या हो, तुम पर कृपा रखते हो, तुम पर तुमको चाहते हो या तुम पर कृपा रखते हो, तुम पर कृपया कृपा रखते हो, रखते हो। आगे दिया गया है यहां पे ध्यान देंगे, उनका काम निकलता है, उनका काम निकलता है, ठीक है। मैं इन बात का विचार, भाई यहां पे लिखा क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ सॉरी, पर इन बात का, यहां पे नोट करेंगे ऐसे, पर इन बात का विचार, पर इन बात का विचार बात का विचार इस तरह जाता है, इस तरह जाता है जिस तरह सूरज के निकलने पर अंधकार, जिस तरह सूरज के निकलने पर अंधकार, सूरज के निकलने पर अंधकार, ये आपका मैंने अनुवाद कर दिया ऋषि इसका देवनागरी लिपि में, ठीक है, यानी हिंदी में। अब आइए फिर से मैं इसे बताऊंगा, ये आपके भले ही मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं फिर से इसको आपको सारा डाटा बताऊंगा, भले ही आपकी पुस्तिका में दिया गया है। देखिए मुसीबत का शब्द चिन्ह देखिएगा, मां व्यंजन को सावृत्ति के साथ, इसी में ताके व्यंजन को, ना को काटेंगे मा होगा इसमें, उ की स्वर सी बत, मुसीबत। मे का शब्द चिन्ह आपका हो जाएगा डियर रेखा के ऊपर मे, कोई का शब्द चिन्ह किसी, किस किसी का शब्द चिन्ह का के व्यंजन को सावृत्ति के साथ लाइन पर, का शब्द चिन्ह रेखा के ऊपर, काम नहीं का शब्द चिन्ह ये लाइन पर होता है, आता के लिए बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर, पहले स्थान पर बड़ा आ की स्वर आता है। चाहे वे, चाह चाहते चाहिए का आपका शब्द चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, वे का शब्द चिन्ह रेखा पर, तुम्हारे ये तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी सब हो जाएगा, दोस्त दोस्त हो का शब्द चिन्ह ये रेखा पर लाइन के ऊपर इस प्रकार से बनाया जाता है। तुमको चाहते हो, तुमको का शब्द चिन्ह, चाह चाहते चाहिए का शब्द चिन्ह ये लाइन के ऊपर, हो का शब्द चिन्ह ये हो जाएगा रेखा के ऊपर, हो नहीं है हो है, ठीक है। तुम पर, तुम उसी में पर जोड़ दीजिए, कृपा ये कृपा में पहले स्थान पर बड़ा आ की स्वर, रखते हो, अब देखिए रखते इसी में मैंने हो भी जोड़ दिया, ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई, आप आराम से पढ़ सकते हैं, रखते हो। उनका, उनका का शब्द चिन्ह काम निकलता, निकलता ये है का शब्द चिन्ह रेखा के ऊपर इस प्रकार से। पर इन बात का विचार, पर का शब्द चिन्ह ये मैंने आपको बताया था, इन बात ये ता का आंकड़ा है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, का शब्द चिन्ह रेखा के ऊपर, यह आपका विचार,
इसमें आप तरह जोड़ें, जाता है, आप चाहे तो ऐसा भी लिख दीजिए, जाता इसमें है जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह, ये जिस तरह सु साके व्यंजन को इसमें ऊ की स्वर रा और जा व्यंजन के साथ सूरज के निकलने पर अंधकार, निकलने पर अंधकार, एक मिनट, अंधकार इसमें किस तरह से बनाया गया है? अच्छा, इसमें इस तरह से बनाया गया, ठीक है, ये अंध का में बड़ा आ की स्वर, ये हो जाएगा आपका अंधकार। तो ये रहा डियर आपका अभ्यास नंबर 23 की प्रैक्टिस। अब मैं इसका आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा, डिक्टेशन आप बढ़िया से लिखेंगे, बहुत शानदार तरह से लिखेंगे, खूब प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए प्यारे साथी, इस बार एसएससी स्टेनो में फतह हासिल करनी है, करनी है, करनी है तो करनी है बस, फिर उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़ जाए हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, रेडी स्टार्ट। जिस जिसका तुम्हारा तुमने हमारा मुझे मैंने उसका उसे मेरा उन इसमें आप में हमको जो जैसा आप पर तुमको वह ये यह ही इस तरह उस तरह कौन जो लोग कोई वैसा कई जो जैसा करेगा वह वैसा फल पावेगा, जो लोग काम को इस तरह करते हैं कि उसमें कोई बात बचने नहीं देते, जैसे तैसे पूरा ही करते हैं, वे धन्य हैं, मुसीबत में कोई किसी का काम नहीं आता, चाहे वे तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे तुमको चाहते हो, तुम पर कृपा रखते हो, उनका काम निकलता है, पर इन बात का विचार इस तरह जाता है जिस तरह सूरज के निकलने पर अंधकार। स्टॉप। तो ये था प्यारे साथी आज का आपका सेशन, और आज के सेशन को मैंने आपको बता दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करके जब आप खुद से आउटलाइन बनाइएगा ना, तो आउटलाइन को बनाने के बाद कॉपी, सुंदर सी कॉपी लिखिएगा, जिससे आप मुझे WhatsApp पर भेज सकें, WhatsApp पर मैंने बता दिया है सारी सुविधाएं कैसा क्या करना है, उसी प्रकार से आपको उस नंबर पर दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, कॉपी भेज दिया करें, जिससे आपकी कॉपी जच जाया करे, ठीक है। और इसका मैंने डिक्टेशन दिया, बढ़िया आपको समझ में आया, ये 39वीं क्लास थी, जो भी बच्चा क्लास में नया हो वो पूर्व की 38 क्लास को पहले देखे, शुरुआत करेगा अपने समय से, अपने पहले क्लास से, तभी उसको समझ में आएगा, नहीं तो बीच में क्या लिख रहा हो भाई आपको कुछ नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। यही आपकी पुस्तिका है, आपके पास पुस्तिका, नोटबुक, पेंसिल, कॉपी, किताब सब कुछ होना चाहिए। एनी डाउट अगर आपको कोई शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आए तो आप तुरंत 8299640585 पर कॉन्टेक्ट करके पूछ लिया करें, या स्टेनोग्राफी
होता क्या है, सीखना कैसे, क्या करना है, सभी प्रोसेस आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। सेशन समझ में आया हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलेंगे। चैनल का पूर्ण समर्थन करना आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका नैतिक कर्तव्य है यूपी क्लासेस प्रयागराज के प्रति। तो भाई मिलते हैं आगामी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।